हाँ भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, बताइए। हाँ तो भाई वही बात तो वही, अपन एक ही मतलब पॉइंट पर दो ही बात करे जा रहा है। बात तो वही है, चलिए वो वकील साबित हो साहब, रही आप हमें ना। ओपनली बताइए आपको क्या जानना है। ठीक है, हमने तकलीफ के बारे में जो भी हमसे हो सका हमने आपको बता दिया। अब मेरे भाई, आपके पास अल्लाह ताला ने अकल दी है, आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, अल्लाह और अल्लाह के नबी की इत्तबा करना या अपने आलिमों की भाई अंधी पैरवी करना। अरे मेरे भाई, आप ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे माफ कीजिए, पर आपको जो कह रहा हूँ आप सिर्फ एक तासुब में बात कर रहा है। ऐसा तो हम कह तो रहे हैं, मेरे अल्लाह के बंदे, इस ऐसा तकलीफ ऐसा के नहीं बारे में होना मैंने सब चाहिए। खोल खोल के आपको बता दिया मेरे प्यारे भाई। मेरे भाई जो मैं समझ रहा हूँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, कि मतलब एक इतनी बात से ये बात एक लाजिम होती कि तकलीफ एक तो इस्लाम में है ही नहीं, है ना, किसी की भी नहीं करना है। दूसरी, तकलीफ का माना क्या होता है ये हम समझ रहे हैं। तो तकलीफ का माना ये हुआ कि किसी की बात को किसी के एतमाद पे मान लेना, इसका नाम तकलीफ है। इससे और आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पिछले 2 दिन से हम लोग तकलीफ के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग से आज के दौर तक मैं सब आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड के अंदर इंशाल्लाह, 1 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, तकलीफ पहली चीज तो दीन इस्लाम में है नहीं, ना कुरान में, ना हदीस में, ना भाई सहाबा हमारे एक दूसरे की तकलीफ करते थे, यानी कि तकलीफ है नहीं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन दौर मेरा है, उसके बाद यानी कि सहाबा, ताबे, तबे ताबेन, इन तीनों दौर में भी भाई जो तकलीद है भाई ये थी नहीं। ठीक, अब ये बाद में आई तो बाद में कैसे आई, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि तकलीद एक्चुअल में भाई एक फतवा था उनके लिए, जिनको मेरे भाई ना अरबी आती, ना उर्दू आती, ना दीन आता, ना वो दलील समझ सकते, ना देख सकते। अब बेचारे क्या करें, उनको नमाज भी पढ़ना नहीं आता, कलमा भी नहीं आता। तो अब ऐसा तो ही नहीं कि उनको, हाँ उनको बैठ के बुखारी सिखाए, मुस्लिम पढ़ाए, नहीं। ऐसे तो मेरे भाई सिखाने में काफी सारा भाई उनको लग जाता टाइम, और उनकी जो मेरे भाई 5 वक्त की भाई जो इबादत थी नमाज की भाई छूट जाती। तो उस समय ये एक फतवे के दौर पे आया कि जैसे आपके मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ रहे हैं वैसे उनकी देख के उनको कॉपी करो, बस पढ़ते जाओ। ये एक फतवा था, ये एक्चुअल तकलीफ थी कि इतने जाहिल लोग थे, क्योंकि तमाम लोग मानते हैं कि जो तकलीद है भाई ये जाहिलों के लिए है। ठीक, तकलीद जो है वो जाहिलों के लिए है, और तकलीद ऐसे लोगों के लिए ही आया था फतवा, ये कोई मेरे भाई मतलब कोई अपने आप भाई, के लिए अब एक आया, तरफ तो ये आपके पास मजबूरी तकलीद थी। है ही नहीं मजहब इस्लाम में, है ना, और मजबूरी दूसरी थी ना, तरफ ये भी बता रहे हैं मजबूरी कि जाहिलों के लिए तकलीद है। हाँ भाई। देखिए इस्लाम में क्या है कि शराब पीना भाई ये हराम है। ठीक, हाँ अब मजबूरी है, आदमी भाई प्यासा मर रहा है और उसके पास एक ही चारा है कि बस शराब अगर वो पी ले तो हालांकि प्यास उसकी मतलब भाई बुझ जाएगी, तो उस कंडीशन में हाँ वो शराब पी सकता है। ठीक, हाँ तो इसी तरीके से भाई जो ये तकलीद है ये दीन इस्लाम में नहीं थी, करना मना अच्छा है। इसका रद अल्लाह ने कुरान में पहले कर दिया था कि तुम लोगों से दलील मांगो, अंधेपन में कोई की बात को ना मानो, अंधविश्वास छोड़ो, जहालत खत्म करो। लेकिन अब ऐसे अच्छा ऐसे जाहिल पैदा हो गए, उनको कुछ नहीं आता था, तो एक मजबूरी के हाँ तहत ये फतवा दिया गया कि जैसे तुम्हारे इमाम कर रहे हैं, जैसे भाई वो तुमको बता रहे हैं, उनकी अपना मानो और उनके हिसाब से दीन पे चलो। ये एक्चुअल में था तकलीद आने की स्टार्टिंग। ठीक, अच्छा लेकिन बाद में भाई ये मजबूरी से हो गया जरूरी, जरूरी से हो गया वाजिब, अब वाजिब से हो गया कि बिना तकलीद के कोई इंसान दीन पे चल नहीं सकता। तो ये धीरे धीरे इसने अपना मेरे भाई जो इसका जो रूप था, आकार था, एकदम मेरे भाई सांप की तरह फैलता गया। तो आज की तारीख में जो तकलीद की तारीफ है वो ये है कि अपने मसलक को बचाना, कुरान हदीस का रद्द करना। तो हम ये कहते हैं भाई तकलीद आज के दौर में कोई इतना जाहिल नहीं है, सबके पास भाई इल्म है, सब लोग भाई एक नंबर के चालाक हैं, चैप्टर हैं, सबको मेरे भाई सब कुछ पता है, कोई अंधा मुकल्लिद बनने को तैयार नहीं है, सबके पास अकल है, तो क्यों मुकल्लिद बनना।
मुकल्लिद अब ना बनो, अब सीधे हो जाओ मुत्तबे सुन्नत अहले सुन्नत। कुरान हदीस इतनी आसानी से मिल रही है मेरे भाई, तमाम आजकल मेरे भाई मार्केट में दुकानें खुल गई हैं दीनी किताब की। अरबी ना आती हो इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश ना आती हो हिंदी में पढ़ो, हिंदी ना आती हो उर्दू में पढ़ो, बंगला में पढ़ो, किसी में पढ़ो, सब आसानी से मिल रहा है। पैसे ना हो खरीदने के तो मेरे भाई अपने फोन में डाउनलोड कर लो, अपने फोन से पढ़ो। फोन में अगर आपके भाई वो ना हो, इंटरनेट पैक ना हो, तो किसी दोस्त से कह दो वो डाउनलोड करके आपको फ्री में भाई भेज देगा शरीर से। तो दीन में इतनी आसानी हो गई है, तो दीन में आज के दौर में इतनी आसानी हो गई है कि कोई जाहिल भाई है नहीं। अब अगर उसके बावजूद वो भाई वो जानबूझ के दीन का इल्म ना हासिल करे और कहे कि नहीं हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे ऊपर तकलीद वाजिब है क्योंकि हम जाहिल हैं, तो ऐसा करना मेरे पे गुनाह है। मजबूरी की हालत में सुअर खा सकते हैं, लेकिन सुअर का होटल हम नहीं खोल देंगे कि हाँ मतलब जितने मजबूर हैं वो आएंगे हमारे वहाँ हमारी दुकान से खाएंगे सुअर खरीद के, नहीं। आप समझ गए, बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, जहन खोलने वाली। आप खोलिए अल्लाह के बंदे। जी भाई, और ये आप किसी हनफी आलिम से पूछेंगे ना तो वो तकलीद के बारे में ये मतलब भाई ये फला इमाम ने कहा है तकलीद करना जायज है, उन्होंने कहा है तकलीद करना जायज है, अहले हदीसों के फला आलिम ने अपनी मेरे भाई किताब में लिखा है तकलीद करना जायज है, उन्होंने कहा है तकलीद करना जायज है, मतलब वो सारे हवाले दे देंगे कि किसने कब कहा कि तकलीद करना जायज है। तो उन सबका मेरे भाई जवाब ये है कि वो उस दौर की तकलीद के बारे में सबने जायज कहा है कि हाँ भाई जाहिल है, कुछ आता जाता नहीं है, मतलब दलील भी नहीं समझ सकता है, तो अब नमाज छोड़ने से तो अच्छा ही है कि जैसे भैया मतलब भाई उसके एरिया के लोग नमाज पढ़ रहे हैं उसको देख देख के पढ़ें। तो सबने ऐसी तकलीद को जायज कहा है, लेकिन आज के दौर में क्या लोग, अरे अहले हदीसों के वो बड़े अल्लामा मुल्ला ने तो कहे तकलीद जायज है, अरे वो इतने बड़े इमाम ने तो कहे तकलीद करना जायज है। तो तकलीद करना भाई जब जब कहा गया जायज है उसका माना ये है जाहिलों के लिए। और कौन सी तकलीद, कि उनको वाकई कुछ नहीं आता है, ओरिजिनल केस है, कोई फेक बात नहीं, वाकई कुछ नहीं आता है, ना उनके पास इतना इल्म मौजूद था उस दौर में, ना मेरे पे किताबें इतनी थी, किसी को मेरे भाई अलग जबर आ बा जबर बा भी नहीं आता था। तो उनके लिए तमाम भाई इमाम ने आलिमों ने कहा ऐसे जाहिल हैं, तो मेरे भाई नमाज छोड़ने से बेहतर है कि हाँ भाई तकलीद कर लें, तकलीद करना जायज है। अब उस कंडीशन की बात को आज लेके आते हैं कि नहीं मतलब उस दौर में जायज थी तो आज भी जायज है, तो ये तो मतलब गोया ऐसी बात हो गई कि अगर किसी आलिम ने कह दिया कि मजबूरी में मतलब भाई ये शराब है सुअर है इसका इस्तेमाल करना ठीक है, तो आज वो कहेगा नहीं आज भी हम भाई हम आराम से सुअर खाएंगे और शराब पियेंगे और हवाले देंगे किनके, फलाने कहा कि जायज है, फलाने कहा कि जायज है, फलाने कहा कि जायज है। अरे बात समझना पड़ता है ना, पहले की तकलीद का जो माना था वो था पैरवी के, आज की तकलीद का मानना है कि बिना दलील के किसी भी गैर नबी की बात को ये सोच के मान लेना कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी और उसकी बात मान भी लेते। अब इतनी बात हम करे जाए करे जहाँ, तो असल बात तो यही है कि गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना तकलीद है, ये है ना। बिना दलील के किसी भी गैर नबी को हुस्ने जन पर मान लेना कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, और जब उसको दलील दे दी जाए और जब उसको दलील दे दी जाए कि भाई ये जो आप बात मान रहे हैं ये कुरान हदीस से कोई टकरा रही है, फिर भी वो ना माने, कहे कि नहीं इतने बड़े आलिम के मतलब गलत हो सकते हैं, उनके पास भी तो कोई ना कोई दलील होगी, तो हो जाती है तकलीद, अंधविश्वास, अंधी पैरवी। ठीक है ना, यही है ना, यानी इसका छोटे अल्फाज में अगर कहा जाए तो यही होगा ना कि गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना तकलीद नाम है ना। अब वो गैर नबी कोई भी हो चाहे हम है ना, तो हमारी भी चाहे चाहे कोई भी हो, तो मैं वही तो चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी गैर नबी की बात बगैर दलील के मैं नहीं मानूंगा, और मुझे दलील चाहिए हर अमल की, जब ही तो मैं तकलीद से मेरा पीछा छूटेगा ना, मेरा और सारे लोगों का।
वरना वही हम मुंह से कहते रहे हम तकलीफ नहीं करते तकलीफ मेरे भाई छुटा लीजिए, जिस दिन आपका पीछा छूट जाएगा उस दिन आप मेरे भाई लोगों को खुद कहेंगे कि यार भाई ये तकलीफ तो है, एक तकलीफ है इसको छोड़ो। हाँ हाँ मैं मेरा पीछा ही छुड़ाऊँ, मैं जैसे पहले छुड़ाऊँ तो पता ही नहीं था तकलीफ होती क्या है। लेकिन बस जो बाप दादा कर रहे थे, जो मस्जिद के भाई इमाम कर रहे थे, जो हमारे दोस्त यार कर रहे थे, वैसे ही हम भी कर रहे थे। बाद में हमको पता चला कि नहीं भाई ये तो मेरे भाई अलग ही मैटर है, अल्लाह अलग कहता है, अल्लाह के और अल्लाह के नबी तो भाई अलग कह रहे हैं और हम लोग जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है। तो हमने उसको छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह भाई अहलेहदीस बन गए। तो इसी तरीके से आप बताइए, आपको ऐसे कौन से अहम मसले की दलील आपको आज तक नहीं मिली जिसमें आपने तकलीद को अपने ऊपर वाजिब कर लिया, ऐसा कोई मसला बताइए। भाई मैं तो हर मसला चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी पूरी ऐसी गुजारना चाहता हूँ कि मेरा हर अमल, मेरा हर कदम उठने वाला हर कदम जो है किताब सुन्नत की रोशनी में हो, है ना। देखिए तो यही चाहना चाहिए दुनिया में मेरे भाई, फिर वली भी आ जाएगा ना तो भी ऐसा नहीं होगा जो आप मतलब आप जो बात मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्या एक एक कदम पे बस हम बिल्कुल राइट टाइम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ये कहिए कि जो दीन की बुनियाद है उसमें तकलीद हम छोड़ें भाई, तौहीद हो गई, नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, ठीक है मेरे भाई जकात हो गया, वजू हो गया, दीन के मामले की बात कर रहा हूं मैं, फंसे हुए वो निकले, बाकी आम आम जिंदगी में आपकी मर्जी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब आपको मेरे पे बिरयानी खाने का मन है तो आप फिर ये नहीं कहोगे नहीं बिरयानी कुरान हदीस से साबित नहीं है तो हम खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा है यार जनाब, ऐसा कौन सोच रहा है। बता दे ना कि मैं एक एक कदम रखूं कुरान हदीस में देखूं, उसमें यही कहा जाता है ना, मतलब इसका इसका माना यही लिया जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं अपना हर कदम उसको कहते ना सर से पांव तक जो है मुक्तदाए सुन्नत बन जाओ, तो उसका क्या माना यही कि दीन के मामले में दीनदार हो जाओ, दीन के हर मामला जो है किताब सुन्नत की रोशनी में हो जाए। तो उसके लिए यही मतलब यही बात पड़ेगा ना, इल्म हासिल करना पड़ेगा ना, जैसे वही तो कर रहा हूँ, तो वही तो कर रहा हूँ मैं। किताबें शाया की हैं कि मेरे भाई खाने पीने के आदाब, भाई सोने के आदाब। नहीं 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 जी, हाँ यही पर धोखा होता है ना, तो यही पर धोखा होता है। धोखा ये होता है कि किताबें तो सब लोगों ने लिख दी है, बहुत देर लिख दी है और सब ने अपने अपने एतबार से लिखी है। अब यहाँ तकलीद यही तो बात है, बुनियादी बात यही है कि कोई कुछ भी कहे कुछ भी लिखे दलील क्या देता है वो। हाँ तो आप दलीलों को अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। जो हमारे आलिमे दीन ने, जो अंबिया के वारिस हैं, उलमाए हक, अहले सुन्नत अहले हदीस, उन्होंने जो टॉपिक पे किताब भाई मतलब भाई छापी है लिखी है, सबकी दलील अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी के फरमान से दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना खाने के आदाब, तो उसमें आप देखेंगे उसमें आता है कि अल्लाह के नबी जब खाना खाते तो वो पढ़ते बिस्मिल्लाह, और उसमें हवाला मौजूद है भाई सही बुखारी की हदीस है, ठीक। लेकिन आप हनफियों की जब आप पढ़ेंगे कि यहाँ खाना खाने के आदाब, तो उसमें आएगा खाना खाने से पहले की दुआ, ठीक है, और उनकी अलग ही दुआ चल रही है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। अब ये उन्होंने हवाला नहीं दिया, और ये जो जुमला है ये अल्लाह के नबी की भाई जो अल्लाह के नबी का अमाल है उससे साबित नहीं है। तो अब फैसला आपको करना है कि नबी ने कहा बिस्मिल्लाह। ये फैसला मैं कर रहा हूँ ना, ये फैसला मैं ही कर रहा हूँ कि जिस तरह हनफियों की बात नहीं मानी जाएगी उसी तरह किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी बगैर दलील की। नहीं अहले हदीस की बात मानी जाएगी, क्योंकि अहले हदीस जो भी बात कही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के नबी की दलील से की है। एक मसला ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो अहले हदीस आज की तारीख में करते हो और उसका सबूत मेरे भाई कुरान में ना हो, हदीस में ना हो, और उनका वो अमल भाई कुरान हदीस के मेरे भाई टकरा रहा हो खिलाफ हो,
एक अकीदा एक अमल। सीधी सीधी सच्ची बात यह है कि अगर हम किसी अहले हदीस आलिम के पास जाते हैं और उससे कोई मसला दरियाफ्त करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है और हम मान लें, मतलब हम उनके कह देने से सिर्फ मान लें, ऐसा कोई अहले हदीस आलिम आपको मिलेगा ही नहीं जो खाली इतना कह दे कि हाँ बस हाँ कर लो, नहीं वो तुरंत दलील आपको देगा। और जो दलील आपको ना दे वो मेरे भाई आप उससे मांगिए, अगर वो ये कहे कि हाँ अभी हमारे पास भाई वो नहीं हम आपको बाद में देंगे तो भी बात ठीक है, लेकिन अगर वो कहे कि नहीं बस जो हम कह रहे हैं मान लो, तो समझ जाओ फिर मामला भाई गोल है, वो अहले हदीस नहीं है है ना, यही है ना। और अगर मान ले तो पहले हदीस की तकलीद हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, जिस तरह आज है ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, तो करना मना है ना, हाँ तकलीद तो मना है। तो इसी तरीके से भाई मैं ये चाहता हूँ कि ईमान के बाद सबसे पहला दर्जा जो है, ऊंचा दर्जा जो है नमाज का है, ईमान लाने के बाद है ना, सबसे ऊंचा अमल जिसकी सबसे पहली पूछ होगी कयामत के रोज नमाज के बारे में। तो मैं पूरी अपनी मुकम्मल नमाज हदीस के मुताबिक पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो पढ़िए ना, इससे बहुत अच्छी बात है ना। अब मुझे उसके ताल्लुक से उसके हर हर रुकन, हर हर उसके हर हर रुकन की जो है मुझे दलील चाहिए, वो आपको मेरे भाई अरकान की नमाज़े नबवी ये एक किताब है, आप पढ़ लीजिए। नहीं किताब नहीं चाहिए मुझे, किताब नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए तो क्या आपको कोई मेरे पे घोल के पिला देगा क्या मेरे भाई, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। नहीं देखिए मैं तकलीफ में मेहनत कर रहे हैं तो इत्तेबा करने के लिए भी थोड़ी मेहनत, किताब लिखने वाला कौन है, किताब लिखने वाला कौन है, हम कह रहे हैं किताब लिखने वाला कोई भी हो, नबी वो उसमें दलील दे रहा है तो आपको मानना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई जैसे नमाज नबी किताब है, सफी साहब ने लिखी, कोई गालिबन है ना, तो सफी रहमान साहब ने लिखी, हाँ, और नमाज पैगम्बर एक किताब है जो हनफी आलिम ने लिखी है ना। अब और भी बहुत सारी किताबें हैं। अब मैंने नमाज पैगम्बर पढ़ी, उसमें भी बहुत सारी दलील कुरान और हदीस से है, और ये नमाज नबी, नमाज नबी बोल रहे हैं, नमाज देखिए, हाँ, नमाज पैगंबर में, हाँ, कुछ अरकान की दलील उन्होंने भाई कुरान से दी है और मेरे भाई उन्होंने हदीस से दिए, काफी मसाइल हाँ, की उन्होंने मेरे भाई दलील दिए शामी से, ठीक है, मतलब अच्छा, उनके उनके जो हनफी जो मतलब भाई उसकी है फिर उनसे उन्होंने हाँ, उसकी दलील दी है, ठीक, जैसे अच्छा, नमाज में इंसान जब, आपने पढ़ी है नमाज पैगंबर किताब, आप पढ़ी नहीं तो क्या इसे हवा में बोल रहा हूँ क्या मेरे भाई, अच्छा हाँ देखिए मेरी बात सुननी है, समझिए थोड़ा सा मेरी भी सुन लीजिए। मैंने नमाज पैगंबर पढ़ी, राह एतदाल पढ़ी, ये तीन चार किताबें जो नमाज के ऊपर लिखी गई हैं वो पढ़ी, सुन लो मेरी बात, इतनी देर मैंने आपकी बात सुनी, अब थोड़ा सा मेरी भी सुन लीजिए। आप ये कह दीजिए कि मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं हनफी मुकल्लिद नहीं हूँ, ये आप कहिए ना। अरे यार तुम मतलब अच्छा चलिए ना कहिए, हम तो तालिबे इल्म ही आपको समझेंगे क्योंकि आप मेरे भाई हो नहीं है, क्या आप तालिबे इल्म हो, तालिबे इल्म इल्म हासिल करने का आपके अंदर अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है। अरे मैं तो तहकीक कर रहा हूँ इस मसले में कि तकलीद करना है या नहीं करना है, वाला ही तालिबे इल्म होता है। अरे जनाब ये तो मैंने आपसे पहले कहा था कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह तालिबे इल्म में तहकीक कर रहे हैं, क्योंकि जो भाई भाई कोई भी मुकल्लिद होगा वो तो कहेगा हम तहकीक कर रहे हैं, जो मेरे मन की बात भी तो आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्या बताइए भाई है ना। मैंने कुछ किताबें घर पढ़ी जिसमें उनमें भी हवाले हैं बुखारी मुस्लिम के,
तीन चार किताबें नमाज, और मैं एक आलिम साहब के पास गया जो अहले हदीस है, उनके पास गया कि मुझे जो है नमाज देखना है सीखना है, तो यही उन्होंने जो किताब मुझे दी ये नमाज लफ्जी हिंदी में, तो उन्हीं के सामने वो किताब मैंने उठाकर एक तरफ रख दी कि मुझे किताब में नहीं देखना है, मुझे तो बुखारी शरीफ ला उसमें देखना है, बस बुखारी शरीफ सही सही सहासत्ता की किताबों से मुझे नमाज सिखाओ, तो कहते करना पूरी मुकम्मल नमाज है। आप मेरे को इनवाइट कीजिए और कोई मेरे भाई जो हनफी उलमा हो उसको इनवाइट कीजिए, वो दो रकात पढ़ेगा, दो रकात हम पढ़ेंगे, वो अपने अरकान को साबित कर देंगे बुखारी मुस्लिम से, जिसके ज्यादा अरकान साबित होंगे बुखारी मुस्लिम से वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो एकदम अच्छा होगा, हक पे होगा। अगर इस चैलेंज को आप अपनाएं तो मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ। ये तो आप वो फिर वो मुझे कोई मुनाजरा और कोई वो थोड़ी ना कराना है, कि मेरे भाई ज्यादा मेरे भाई हदीस नमाज के ताल्लुक से आई है उन पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानना है। अरे मुझे तो मुझे अपनी जात के लिए जानना है जनाब, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, हाँ मुझे तो अपनी जात के लिए जानना है, मुझे नमाज पढ़ना है, मैं क्यों जाऊँ किसी आलिम को लेकर और आपको भिड़वाऊँ बिट्टी लड़वाऊँ किसी से, नहीं भिड़वाने की बात ही नहीं ना भाई, वो अपनी नमाज पढ़ेगा, अपनी जात के लिए मुझे मेरा अमल मेरी नमाज बुखारी मुस्लिम अपनी नमाज के लिए देंगे, छोड़िए उसको, वो तो मुझे मेरी नमाज पढ़ना है, मुझे मेरा अमल करना है, आप मेरी बात करिए, मैं आपसे अगर दूसरों से बात कराना होता तो क्या नहीं नेट पे और इंटरनेट पे तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक का तरीका आपको जानना है जी, पूरी मुकम्मल नमाज तो है ना, तो ठीक है पूछिए ना, शुरू कीजिए, क्या आपको जानना है। हाँ नमाज के अगर हर अरकान मुझे बतला दीजिए हदीस की रोशनी में, और हदीस भी जो है शराहतन हो, शरे हदीस, अरे सही हदीस को पेश करता है अहले हदीस भाई, नहीं नहीं सही हदीस नहीं, सही के साथ शरे हो शराहतन हो, अरे मेरे भाई सब उसमें कंडीशन होगी ना, ऐसा थोड़ी ना सही हदीस पेश कर देंगे और पता चला भाई वो पहले दौर में होती थी बाद में नहीं हुई, ऐसा थोड़ी ना। तो मेरे भाई मैं यही तो तहकीक कर रहा हूँ कि मुझे कोई बता ही नहीं पा रहा है ना, वो आलिम साहब के पास गया और नमाज नबी पकड़ा रहा है, मैंने कहा नमाज नबी में जो हदीसों का हवाला उन्होंने दिया है आपके कुतुब खाना है यहाँ पर, आप वो जो हवाला नमाज नबी में वही किताब मुझे ओरिजिनल लाकर दिखा दो, मुझे इत्मीनान हो जाए, तो वो नहीं दिखा पा रहा है मेरे को है भाई। देखिए एक चीज बता दें अब, हाँ भाई हमें आपसे पैसे चाहिए मान लीजिए, हाँ हमें आपसे पैसे लेने हैं और हमने आपसे कहा भाई मेरे को भाई 15,000 रुपए उधार चाहिए, तो अब मैं भाई हमें आपसे लेना है ना, तो हम आएंगे आपसे बात करेंगे मेहनत करेंगे हम दौड़ के आपके पास आएंगे, क्योंकि हमें लेना है, हम ये नहीं कहेंगे 15,000 मांग रहे हैं देना हो तो आके दे जाओ, कोई इतना फालतू टाइम नहीं है। जनाब सीखने की चाहे तो अगले आदमी ने आपके मेरे भाई बता दिया, किताब दे दी, उसमें हवाले मौजूद है, अब आप एक ही किताब में भाई आप नहीं देख सकते हो वो जो हवाला है हदीस नंबर, तुरंत उसको मेरे भाई टाइप कर दो गूगल पे, वो हदीस आपको अरबी मतन में सनद के साथ कौन सी बात होती है, आपके क्यों फिर दावे हैं कि हम ये दिखा देंगे वो दिखा देंगे, आप एक मस्जिद में बैठे हो, आपके पास कुतुब खाना है, आपके पास बुखारी है मुस्लिम है सहादत्ता की सारे किताबें हैं, और एक बंदा आपके पास आता है कि मुझे हदीस दिखा दो, तो आप हदीस दिखाने से क्यों हाजिर आ रहा है, क्यों काशिर आ रहा है, तो वो मतलब भाई अगर उनके पास किताब वो अगर उनके पास वाकई है और वक्त है तो हदीस के बर्ट, हाँ और वो क्या, मैंने कई लोगों से पूछा हमारे मिलने वाले भी हैं, मैं ओरिजिनल किताबों से नमाज की मेरे भाई सारी हदीस आपको दिखा देता हूँ, वो किताब कहाँ से मेरे भाई छपी है, किसने तर्जुमा किया है, अरबी मतन कहाँ से लिया गया है, कौन से मेरे भाई सन में भाई वो छपी किताब है, सब आपको दिखा देता हूँ, पैसा खर्चा करो सारा काम होता है भाई, आप अपना मेरे भाई पैसा खर्चा करो, किराया भाड़ा खर्चा करो और नमाज सीखने के लिए आओ, पहले के लोग थे एक एक मेरे भाई हदीस के लिए भाई
कहाँ कहाँ जाते थे? अभी आपने अभी आपने कहा आप आ जाओ ना, अभी अभी आपने कहा कि इंटरनेट का जमाना है, इतना आसान हो गया है। तो भाई इंटरनेट मानेंगे नहीं, मेरे व्हाट्सएप आप मेरे व्हाट्सएप पर जो है एक एक रुकन की एक एक अरकान की हदीसें सेट करते जाइए, वक्त ले लीजिए। भले ही आप मतलब मैं ये नहीं कहता, मैंने आलिम साहब से भी कहा, मैं ये नहीं कहता कि आज ही मुझे दिखा दो, आप वक्त ले लो। नहीं हम जब आप ठीक है, आपने हमको वक्त दिया है, हम आपको मेरे भाई बीच बीच में मतलब जब भी हम इसलिए मैं हवाला फोटो खींच के आपको भेज दिया करेंगे, क्या मुश्किल है? अगर हमारे जरिए अगर वाकई आप नबी की भाई ओरिजिनल जो उनकी भाई वो नमाज आ जाए तो अलहमदुल्ला, इसका तो बहुत अजर सवाब है। पूरी मुकम्मल नमाज सुन लीजिए पहले मेरी बात, सीढ़ी बाय सीढ़ी सुन तो लीजिए। सारे अरकान की दलील आपको मैंने अरबी मतन के साथ भेज दी, उसका तर्जुमा भी भेज दिया, ओरिजिनल किताब की फोटो खींच के भी भेज दी, और बाद में पता चला कि सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, और बाद में किसी आपके हनफी आदिम ने आपको पट्टी पढ़ा दी कि नहीं ये जो रफादान की हदीस है ये सही है और है किताबों में, हम तो मानते हैं, लेकिन बाद में मंसूख हो गया, आखिरी आखिरी दौर में छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा भाई? हमारी मेहनत तो गई भैया पानी में। तो ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो वही इतने आम को यूँ इतनी किताबें छपी जा रही है, तो तकरीर और बयान हो रहा है, सब हो रहा है, वो उसको कोई मतलब नहीं है। ये तो सब मैंने देखा कि ये जो मसला है तो मेरे सामने ये बात आई तो दूसरों की बरकत से जोश में आ गए, बकायदे भाई वो किताबें भाई वो छाप रहे हैं कि हनफी नमाज कुरान हदीस की रोशनी में। अब देखिए मतलब अभी तक कुरान हदीस का नाम नहीं था, अब तो बकायदा टाइटल के साथ मतलब छापने किताब, हनफी नमाज कुरान हदीस के आईने में, यानी कि वो खुद अब देख रहे हैं कि आवाम अब मेरे भैया पूछ रही है, जाग गई है, दलील मांगती है चीज की, तो अब बेचारे मजबूरी में वो लोग मेरे भाई कुरान हदीस को मतलब भाई वो जमा करके कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के छाप रहे हैं कि हाँ देखो हाँ भाई अपनी भी नमाज मतलब साबित है। अब उनकी किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा नाफ के नीचे हाथ बांधने की जो मेरे भाई जो उन्होंने हदीस दी है वो भी हदीस ही दी है, कोई हनफी मसलक की बात भाई नहीं बताई है, लेकिन जो हदीस उन्होंने दी वो अल्लाह ही रहम करे भाई, ठीक है अशद दर्जे की मेरे भाई रही ना उनको उसूल। हाँ तो जैसे हदीस कोई भी देगा तो उसका तहकी होगी, असमाउर रिजाल का जो फन है वो भी सीखना पड़ेगा, तो ये हनफी कहाँ से सीख जाएगा? ये जो वो तो जाहिल है मुकल्लिद है, इसके लिए उसको भाई अहले हदीसों के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि अहले हदीस के पास ही इल्म है सही ज़ईफ का। हाँ अहले हदीस के पास सारा हदीस का इल्म है, जब भी तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ जी, है ना, आपके पास जो इल्म है तो उसी के जरिए आप मेरी नमाज को मुकम्मल करा दीजिए, सीधी सी बात। तो अल्लाह के बंदे झगड़े कोई झगड़ा कोई बहस कोई बहसबाजी कोई मुनाजरा कोई वो तो करना ही नहीं है, आप भाई नमाज लिख लीजिए कागज पर, मैं भी आपको बस इतना ही चाह रहा हूँ कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई उस तरह नमाज पढ़े जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी है, हम भी तो यही चाहते हैं। हाँ तो वही तो मैं भी चाहता हूँ, नमाज पढ़ोगे तो कौन सा मार हमको पैसा मिल जाएगा? नहीं बस हमें सवाब ही तो मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन सवाब तो मिलेगा आपको बता दो, हमारी सवाब ही मेरे भाई सबसे ऊंचा है, पैसा तो मेरे भाई अपने साथियों से बोल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह पैसा दे देंगे, उधार व्यवहार तो भाई आजकल आम है दुनिया में, तो पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं कमा रहा हूँ, ठीक है जो मेरे भाई कमा रहा हूँ सुकून से खा रहा हूँ, ठीक जरूरत पड़ती है हालात मेरे भाई खराब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त यार हैं मांग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, असबाब है, असबाब के तहत भाई अल्लाह के नबी ने भी जब अल्लाह के नबी का भाई इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी के ऊपर भी भाई कर्जा था उधार था, तो ये तो एक मेरे भाई जिंदगी है, लेकिन मेन जो असल क्या है वो है भाई आमाल, तो आज आज हमारे पास भाई आमाल है तो हिसाब नहीं है, और इंतकाल के बाद खाली मेरे भाई आपका होगा हिसाब, आमाल नहीं होगा। तो हम चाहते हैं अगर मेरे किसी अमल से आप अल्हम्दुलिल्लाह सीधी राह पे आ जाए
तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, आखिरत की एक नेकी हाँ, एक तरफ। हाँ सही बात है, तो नमाज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थे फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नते हैं, ये तरीका है किससे नमाज होती हाँ, है किससे नहीं होती है, नमाज छूट जाए तो क्या करेंगे, कजा क्या हाँ होती है कब नहीं होती है, कजा उमरी पढ़ना कैसा है, नमाज में जी अगर आपसे कोई चूक हो जाए भूल हो जाए तो क्या करेंगे, सजदा सहू कब करेंगे, कौन सा सजदा सहू कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या क्या होगा, सब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस में मौजूद है। बिल्कुल बता कोई दीजिए हम मुझे। आपको बाइबल से नहीं बताएंगे, वेद से नहीं बताएंगे, किसी से नहीं बताएंगे, कुरान हदीस में ही बात वो मौजूद है। फर्क कितना है, थोड़ा सा मेहनत करके भाई उसको ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको समझना पड़ेगा, और अपनी अकल इस्तेमाल भाई हमको नहीं करनी मतलब होगी। ये सुनिए भाई साहब, आप हेले हदीस सुन रहे कितना वक्त हो गया आपको? भाई सन 2000 गालिबन चल रहा था 9, तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी बीवी हमसे पूछती थी कि हाँ मतलब ऐसे क्या करें वैसे क्या करें, तो मेरे को खुद ही नहीं पता था, मेरे को इतना पता था कि हाँ जुम्मे जुम्मे की नमाज पढ़ना है बात खत्म, लेकिन अब वो हमसे पूछती थी क्या या अब क्या करें, आज ऐसा हो गया तो इसमें क्या करें, तो वो मेरे भाई अब उसको देखने के लिए हम अपने मस्जिद के इमाम से पूछते थे, मस्जिद के इमाम से पूछते थे, तो मतलब भाई हमको अच्छा लगा क्या यार दीन में मतलब हर चीज है, बाद में पता चला कि जो मस्जिद के इमाम से पूछा वो तो दीन है ही नहीं, दीन तो कुछ और है। एक्चुअल में एक दिन हमारी वाइफ और हम लोग देख रहे थे भाई पिक्चर देख रहे थे ठीक है निकाह, तो निकाह में वो अपनी बीवी को बोल देता है तलाक तलाक तलाक, तो अब पता चलता है मतलब भाई अब वो अपने शौहर के पास मतलब भाई तभी वापस जाएगी जब वो किसी और के साथ मतलब भाई शादी कर लेगी, यानी कि हलाला उसका होगा तब। तो मैंने अपने मस्जिद के आलिम से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही है, मैंने उनकी बात को मान लिया, बाद में पता चला ये हलाला नहीं हरामा है, ये तो जिना है, कुरान का जो हलाला है वो तो अलग है और यहाँ जो आजकल जो मेरे भाई हो रहा है हलाला ये तो जिना है रेप है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरा जहन खोला और मैंने भाई तहकीक करना स्टार्ट की, और सन 2000 गालिबन भाई वो क्या बोलते हैं 11 के ठीक है लास्ट में हमने भाई वो नमाज में सीने पर हाथ बांधना स्टार्ट कर दिया था, रफादान करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब हम भाई थोड़ा बहुत मतलब भाई अमल करना स्टार्ट कर दिए थे। उस वक्त तक हमको ये मालूम ही नहीं था कि ये हनफी शाफी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस क्या होता है ठीक, बाद में हमको पता चला कि जो लोग सीने पर हाथ बांधते हैं रफादान करते हैं और भाई सारे जो मतलब जो भी अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को मतलब मानते हैं उनको अहले हदीस कहते हैं, तब हमें पता चला कि हम एक्चुअल में भाई अहले हदीस हो गए, मतलब अहले हदीस देख के हम नहीं बने थे अहले हदीस, हम पहले हो गए थे, बाद में मतलब हमको पता चला कि हाँ भैया ऐसे लोगों का जो पहचान का नाम है वो अहले हदीस है, आप बस समझे, यानी कि पहले हम हो गए थे लेकिन पता नहीं था इनका नाम क्या है, नाम बाद में पता चला कि जो ऐसा अमल करते हैं उनको अहले हदीस कहते हैं, तो अहले हदीस बने हुए तो यही सन 2011-12 से मान लीजिए। अच्छा तो वो